खत्म हो जाएंगे दुनिया में मर्द। क्या सच में वाई क्रोमोसोम विश्व में तेजी से खत्म हो रहे हैं? क्या पूरी तरह से गायब हो सकता है मेल क्रोमोसोम? ऐसे तमाम सवालों से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन सच क्या है? इन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या सच में फ्यूचर में ये सब होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि गोस्वामी। टीवी 27 पर हमारी इस नई पेशकश में हम आप तक वो खबरें लाते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है, और ये तमाम खबरें जानना आपके लिए क्यों जरूरी है, देते हैं आपको इसकी पूरी जानकारी। एक हालिया स्टडी में खुलासा हुआ है कि इंसानों में मेल जेंडर निर्धारित करने वाला वाई क्रोमोसोम तेजी से खत्म हो रहा है। पिछले 30 करोड़ सालों में वाई क्रोमोसोम के 1438 ओरिजिनल जीन्स में से 1393 जीन खत्म हो गए हैं। इस तरह वाई क्रोमोसोम के केवल 45 जीन बचे हैं। जेनेटिक्स के नामी प्रोफेसर फेलो जेनिफर ए मार्शल ग्रेव्स के मुताबिक वाई क्रोमोसोम का समय खत्म हो रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो वाई क्रोमोसोम करीबन 1.10 करोड़ वर्षों में पूरी तरह से गायब हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो धरती से पुरुषों का अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसे में धरती पर सिर्फ महिलाएं ही बचेंगी। वाई क्रोमोसोम तेजी से हो रहा है खत्म। 46 लाख साल में खत्म हो जाएंगे मेल क्रोमोसोम। मर्दों के बिना कैसी लगेगी दुनिया? दुनिया में हर तरफ नजर आएंगी सिर्फ महिलाएं। वाई क्रोमोसोम के केवल 45 जीन बचे, मेल अस्तित्व पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। जानकारों की माने तो महिलाओं के शरीर में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों के शरीर में 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। जब महिला और पुरुष के एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तब भ्रूण लड़की बन जाता है, और जब एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तब भ्रूण लड़का बनता है। क्रोमोसोम को लड़कों के पैदा होने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। पुरुषों के अस्तित्व के लिए वाई क्रोमोसोम जरूरी है। पुरुषों का वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाए तो दुनिया में लड़के पैदा होना बंद हो जाएंगे। ऐसा सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब दुनिया में हर जगह सिर्फ महिलाएं हों। इस क्रोमोसोम को लेकर अब तक कई रिसर्च सामने आई हैं। इसमें इसी तरह के हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम की तुलना में हमेशा कमजोर नहीं रहा है। करीब 16.6 करोड़ साल पहले दोनों क्रोमोसोम एक ही साइज के थे और इनमें बराबर संख्या में जीन होते थे। धीरे धीरे वाई क्रोमोसोम में जीन्स की संख्या कम होती गई और इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इस बारे में वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और हर साल नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। कई वैज्ञानिकों के बीच भी इसे लेकर मतभेद है। कई रिसर्च ऐसी भी सामने आ रहे हैं कि दुनिया में वाई क्रोमोसोम के खत्म होने की जो रफ्तार बताई जा रही है असल में उतनी रफ्तार नहीं है। खास बात ये है कि पुरुषों का वाई क्रोमोसोम तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन महिलाओं के एक्स क्रोमोसोम पूरी तरह से नॉर्मल है और पुरुषों का भी एक्स क्रोमोसोम ठीक है। इससे लड़कियां पैदा होती रहेंगी। इसी साल की शुरुआत में सामने आई एक स्टडी में दावा किया गया था कि पुरुषों के वाई क्रोमोसोम खत्म होने की यही स्पीड रही तो अगले 46 लाख सालों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ तो पुरुषों का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। ऐसे में हर जगह महिलाओं का ही बोलबाला रहेगा। लोगों को लग रहा है कि 46 लाख साल तो बहुत लंबा समय है, लेकिन ये जानने की भी जरूरत है
कि अभी भी पृथ्वी पर करीब 350 करोड़ साल जीवन बाकी है। इसकी तुलना में 46 लाख साल बेहद कम समय है। आसान भाषा में कहें तो धरती पर जीवन खत्म होने से पहले ही पुरुष खत्म हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस ट्रेंडिंग न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए TV27 न्यूज के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और ऐसी ही ट्रेंडिंग न्यूज जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। धन्यवाद।